आप बताएंगे क्या आपके पास और कितनी खुफिया जगह है? ये जो कमरा आप देख रहे हैं आदर, ये हमारे होजरे के बगल में। क्या यकीन नहीं आता तो वहां जाइए, वहां आपको एक दरवाजा मिलेगा, उस दरवाजे को खोल के देखिए। ये क्या जादू है मिजान? ये जादू नहीं, हमारा दिमाग है आदर। हमने इस जगह के बारे में आपको इसलिए बताया कि आगे चल के अगर आपको इसकी जरूरत पड़े तो आपको इस जगह का पता होना चाहिए। जो कुछ भी हो मिजान, हम इसे हमेशा के लिए यहाँ छुपा नहीं सकते। ज्यादा वक्त के लिए नहीं आदर, बस कुछ ही वक्त के लिए। निगार का हमला होने दीजिए, इसके बाद राहें अपने आप खुल जाएगी। कुछ राहें निगार हमारे लिए खोलेगी और कुछ राहें जलाल। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। जलाल तक हमारा पैगाम पहुंचाया जा चुका है अबुल माली साहब। हाँ इंशाल्लाह उन्हें जल्द ही मिल भी जाएगा। तो हमें इंतजार बस उस दिन का है जब हाथों में शमशीर लिए हम उस जलाल का सामना करेंगे और वो सब कुछ छीन लेंगे जो हमारा है। बेशक। और अगर उसने हमारा पैगाम अनदेखा कर दिया तो? इतनी फिक्र ना करो शहजादी, सुबह तक इंतजार करते हैं। फिलहाल आप काफी थकी हुई हैं, थोड़ा आराम फरमा लीजिए। आराम? परसों से आराम ही तो किया है अबुल माली साहब, अब आराम का वक्त कहाँ? जल्दबाजी अच्छी नहीं निगार। हमारे कुछ लोग आगरा में छिप कर दाखिल हो चुके हैं बगावत के लिए। सुबह तक शहंशाह को चंद लाशों के साथ खबर मिल जाएगी। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, पंजाब के सूबे से खबर आई है। पंजाब के कुछ इलाकों पर हमला हुआ है और उसे मुगल सल्तनत के कब्जे से छीन लिया गया है। चला की फौज किसकी? नहीं हुजूर, फरहत खान एक पैगाम लेकर आपके हुजूर में पेश होने की इजाजत चाहते हैं। उन्हें पेश किया जाए। हुजूर, शहजादी निगार और अबुल माली की तरफ से पैगाम आया है। पढ़ा जाए। उन्होंने मुगल सल्तनत से जंग का ऐलान कर दिया है और ये पैगाम भिजवाया है कि जल्द ही आगरा पहुंचकर वो हासिल करेंगे जिस पर उनका हक है। और हुजूर, उन्होंने इस पैगाम का जवाब भी मंगवाया है। इस पैगाम का जवाब हम सोच समझ कर देंगे दीवाने खास बर्खास्त। क्या सोच रहे हैं आप शहंशाह? अब सोचना क्या है जोधा बेगम, हमारी अपनी ही बहन हमसे नफरत करती है, जंग करना चाहती है हमसे। आपसे बात तक नहीं की उन्होंने, और यदि ऐसे में उन्हें लगता है कि उनकी अम्मी जान को आपने बंदी बनवा कर रखा है तो इसका अर्थ तो यही है कि किसी ने उन्हें भ्रमित किया है, आपके विरुद्ध किसी ने उनके कान भरे हैं। हम अगर एक ही खानदान में इस तरह के झगड़े देखकर कोफ्त आती हैं हमें जोधा बेगम, इसी तरह हमारे बचपन में हमारे मरहूम अब्बा हुजूर और चाचा कमरान लड़ा करते थे, वही वजह थी तख्त ताज ताकत। अब्बा हुजूर ने बहुत समझाने की कोशिश की, उन्हें बहुत खुश रखने की कोशिश की, बहुत प्यार करते थे उनसे। उन्हें समझाया कि अगर जिस्म में एक हाथ दूसरे हाथ को काटता है तो नुकसान जिस्म में ही होगा, नहीं समझे वो। और आज यही सब बातें फिर से दोहराई जा रही। आदाब शहंशाह। कहो क्या बात है? हुजूर, आगरा में हमला हुआ है।
अब तक उनके पैगाम का जवाब भी नहीं दिया और उन्होंने हम पर हमला कर दिया। हमारी नेकली का फायदा उठा रहे हैं वो लोग। हुजूर, अब हमें शहजादी निगार को जवाब देना ही होगा। नहीं अदगर साहब, जरूर कोई हमारी बैंक का इस्तेमाल कर रहा है, उसके कंधे पे बंदूक रखकर निशाना साध रहा है। मगर इसमें कोई शक नहीं है हुजूर कि इन सब के पीछे शहजादी निगार हैं। ये देखिए, ये जो मासूम लोगों का कत्ल हुआ है ये आपकी अवाम है। अब वक्त आ गया हुजूर कि आप शमशीर उठाइए, ये बख्तर पहनिए और जंग के लिए तैयार हो जाइए। अदगर साहब, हमारी अवाम क्या सोचेगी जिन्होंने हमें अकबर का नाम दिया है? हम उसे इज्जत के साथ मुगल सल्तनत में ओहदा देना चाहते हैं, अपने अब्बा हुजूर के फरमान पर अमल करना चाहते हैं। हम अपनी बहन का कत्ल नहीं करेंगे। हमें तुरंत ही तैयारियां करनी होंगी अदगर साहब, क्योंकि शहंशाह भले ही इस बात के लिए राजी हो या ना हो, परंतु शहजादी निगार की ओर से जंग का ऐलान हो चुका है। हम भी यदि होशियार ना रहे तो आगरा खत्म हो जाएगा। अगर यही तुम्हारी काबिलियत है तो तुम हमारे साथ खेलने के काबिल नहीं, बेवकूफ। बेगम खास का इकबाल बुलंद हो, जोधा बेगम तशरीफ लाई हैं। जोधा बेगम यहाँ इस वक्त? अंदर भेज दो उन्हें। होशियार तुम जाओ। जी हुजूर। प्रणाम रुकैया बेगम। जोधा बेगम, ये शहंशाह का होजरा नहीं है कि आप जब चाहे यहाँ मुंह उठाकर चली आए। क्षमा चाहते हैं, परंतु बात ही कुछ ऐसी थी कि हमें आना पड़ा। अब ऐसी भी क्या खास बात है जो आप बेगम खास को इस वक्त तकलीफ देने आ गई? बात शहंशाह की है रुकैया बेगम। तो हमारे पास आने की क्या जरूरत है? आप तो शहंशाह को बखूबी संभाल लेती हैं, है ना? रुकैया बेगम, ये समय ताना मारने का नहीं है। हमें लगता है कि आपको मुगल सल्तनत और शहंशाह की चिंता है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। बताइए क्या मसला है? बात यह है कि भले निगार जी शहंशाह की बहन है, भले दोनों की धमनियों में एक ही पिता का रक्त बह रहा है, परंतु उन्होंने युद्ध छेड़ दिया है। निगार जी ने आगरा पर आक्रमण कर दिया है रुकैया बेगम, और शहंशाह अपनी बहन के साथ युद्ध नहीं करना चाहते। अब आप ही बताइए कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो आप शहंशाह के पास जाइए, आप हमारे पास क्यों आई हैं? क्योंकि आप उन्हें अच्छे से समझती हैं। आप उनकी पहली बेगम हैं और बचपन की सखी हैं। कदाचित वो आपकी बात को सुनेंगे और समझेंगे। रुकैया बेगम, प्रजा की रक्षा के लिए, शहंशाह को युद्ध के लिए प्रस्तुत होने में आप ही उनकी सहायता कर सकती हैं। शहंशाह को कैसे समझाना है ये आपसे अच्छा और कोई नहीं जानता है। जहाँ तक शहंशाह को समझने की बात है, तो आजकल हमसे ज्यादा शहंशाह को आप समझती हैं, हमसे ज्यादा शहंशाह को आप समझा सकती हैं। रुकैया बेगम, आप समझ नहीं रही कि परिस्थिति कितनी विकट है। शहंशाह ने युद्ध के लिए मना कर दिया है, और यदि वो निगार जी के विरुद्ध तलवार उठाते भी हैं, तो भी पूरे मन से वो युद्ध नहीं करेंगे। आपने हमें याद फरमाया? हाँ शहंशाह, बहुत दिन हुए हमने एक शतरंज की बाजी नहीं खेली, इसीलिए हमने आपको याद फरमाया। पूरा आगरा जंग करने को तैयार है और आप इस वक्त हमारे साथ शतरंज खेलना चाहती हैं? वही तो हम भी कह रहे हैं शहंशाह, जंग सिर पर है, ये वक्त ना ही शतरंज खेलने का है और ना ही अपने जज्बातों को खुद से खेलने देने का। मुगल सल्तनत को ललकारा गया है और आप अपनी बहन के धोखे से दिल तोड़ कर बैठे हैं। गुस्ताखी मुआफ शहंशाह, मगर आप सिर्फ एक भाई नहीं, आप मुगल सल्तनत के शहंशाह भी हैं। और एक शहंशाह सबसे पहले एक शहंशाह होता है, बेटा भाई या शौहर बाद में होता है, उसका सबसे बड़ा रिश्ता उसके तख्त से होता है और बाकी सारे रिश्ते बाद में आते हैं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।